गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। इन टुडे केमिस्ट्री क्लास वी विल स्टार्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इन यस्टरडे रिवीजन क्लास आई कंप्लीटेड रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेट कांस्टेंट, ओके, एंड मॉलिक्यूलरिटी। नाउ टुडे वी विल सी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। What is order of reaction? Order of reaction. Order of reaction क्या है? Molecularity में हमने देखा था कि number of molecule participating in reaction during the rate determining step. मॉलिक्यूलरिटी में ये था कि कितने मॉलिक्यूल जो है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जो मॉलिक्यूलरिटी थी वो हमारी जो है कि एक थ्योरेटिकल वैल्यू थी। बस हमें ये देखना था कि कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमें ये नहीं देखना था कि कितने प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हम ये देखेंगे कि ड्यूरिंग द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हाउ मच रिएक्टेड मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टिंग इन टू द प्रोडक्ट। ओके, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज नथिंग बट इट इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कन्वर्टिंग इन द प्रोडक्ट इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, या ये भी कह सकते हैं कि ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ये एक्सपोनेंट का सम होता है, सम ऑफ द एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट रेस टू द रिएक्टेंट, ओके, इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलिए लिख लेते हैं हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, इट इज द सम ऑफ सम ऑफ एक्सपोनेंट नेट्स रेस टू द रेज टू द कंसेंट्रेशन कंसेंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स। ओके, हम यहां से देख सकते हैं, सपोज करो कि रिएक्शन है ए बी गिव्स प्रोडक्ट। ओके, प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहां पे हम जब रेट लिखेंगे, रेट इक्वेशन लिखेंगे, रेट इक्वेशन क्या होगा? रेट इज इक्वल टू हो जाएगा के कंसेंट्रेशन ऑफ ए के पावर अल्फा और कंसेंट्रेशन बी के पावर बीटा। तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताते हैं। ये हमारा एक्सपोनेंट, ये क्या है? एक्सपोनेंट, ये हमारा एक्सपोनेंट है। ठीक है, ये एक तरह से जो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ये क्या है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। अब यहाँ पे देखने में क्या है, यहाँ कोफिशियंट क्या है? ए है, बी है। यहाँ पे हमने क्या लिया है? अल्फा और बीटा। अब दिमाग में आ रहा होगा कि ये अल्फा बीटा कहाँ से आ गया, अल्फा बीटा कहाँ से आ गया, ये किस तरह का जो है कि है। तो हमने अभी बताया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट विच आफ्टर कोलिजन कन्वर्ट इन टू द प्रोडक्ट। ओके,
तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रिएक्शन इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट converting into product after collision in rate determining step ओके तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टिंग इनटू द प्रोडक्ट आफ्टर कोलिजन इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ठीक है। अब ये जो टोटल नंबर है यहाँ पे ये जो टोटल नंबर है उस टोटल नंबर को हम थ्रू द एक्सपेरिमेंट देखेंगे ना कि स्टीचियोमेट्रिक कोफिशियंट से देखेंगे। बात समझे तो हमारा जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ये दोनों में एकदम क्लियर कट डिफरेंस है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हमें उन मॉलिक्यूल्स के टोटल नंबर को लेने हैं जो कि कम्प्लीटली जो है कि रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन। और मॉलिक्यूलरिटी में क्या है कि उसमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि कोलिजन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब ये मतलब नहीं है कि कितने उसमें प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है कितने प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, वहाँ बस इस चीज़ से मतलब है कि कितने लोग पार्टिसिपेट किए। एक तरह से अगर हम अपने जनरल लाइफ से एग्जांपल लें कि अगर कोई एक जो है कि कोई भी कंपटीशन चल रहा है अब वहाँ पे 100 लोगों ने पार्टिसिपेशन किया, उस 100 में से जो है कि 30 जो है कि सेलेक्ट हुए ठीक है, या कहीं भी सिलेक्शन होता है तो 100 कैंडिडेट थे 100 में से 30 जो है कि आपके कैंडिडेट सेलेक्ट हुए, तो जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट सेलेक्ट हुए वो सेलेक्ट कैंडिडेट की संख्या जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कह सकते हैं। और जो हमने 100 वहाँ पे लिया उन 100 को हम मॉलिक्यूलरिटी कह सकते हैं। तो इस तरह से हमें जो 30 मिला वो हमें कब मिला, जब पूरा हमारा एक्सपेरिमेंट यानी हमारा जो है कि सिलेक्शन कंप्लीट हुआ तो पता लगा कि हमारे ये 30 ही ऐसे बच्चे हैं जो कि अच्छे हैं जो कि इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, बाकी के जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया वो एलिजिबल नहीं थे। तो जब हम टोटल की बात करते हैं पार्टिसिपेट करने वालों की तो हमारी मॉलिक्यूलरिटी हो जाती है, लेकिन अगर हम बात करते हैं कितने सेलेक्ट हुए कितने प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए तो वो हमारा क्या हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हमें एक्सपेरिमेंटली देखना ही पड़ेगा, बिना एक्सपेरिमेंट के हम उसे पता नहीं कर सकते हैं। मॉलिक्यूलरिटी एक बार तो पता कर सकते हैं कि क्या होगी मॉलिक्यूलरिटी, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम देख करके कभी पता नहीं कर सकते ठीक है। तो ये हमारा हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसको नोट कर लीजिए फटाफट आप लोग। फिर इसके बाद हम आते हैं तो हम यहाँ पे कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर भी लिख देते हैं, हो गया होगा आई थिंक अभी नोट हो गया होगा, समझ में बात आ गई होगी ठीक है, बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी ठीक है।
यहाँ पे ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, अब पॉइंट वाइज इसको देख लेते हैं। ऑर्डर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रिएक्शन इज अ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज अ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, उसको हम थ्रू द एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मे बी या कैन बी निगेटिव और फ्रैक्शन और आर जीरो। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। वन टू थ्री तो होगा लेकिन निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और फ्रैक्शन में भी हो सकता है ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो हमने देखा था मॉलिक्यूलरिटी केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रिएक्शन इज एप्लीकेबल एप्लीकेबल फॉर बोथ एलिमेंट्री रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन रिएक्शंस एज वेल एज एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस ठीक है। ये जो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है कॉम्प्लेक्स और एलिमेंट्री दोनों रिएक्शन के लिए काम करता है, जबकि हम लोगों ने देखा था कि मॉलिक्यूलरिटी जो होता है वो केवल और केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए काम करता है ठीक है। और यहाँ पे टाइप ऑफ रिएक्शन भी जो होते हैं डिपेंड करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर। टाइप ऑफ रिएक्शन depends upon type of reaction depends upon the order of reaction order of reaction फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर इस तरह से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को जो है क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन थर्ड ऑर्डर रिएक्शन इस तरह से। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे देख ले रहे हैं और जान जाते हैं कि कौन कौन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हैं ठीक है। तो हम पहले एग्जाम्पल्स लेते हैं जीरो ऑर्डर का। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एप्लीकेबल है बोथ के लिए, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए। और टाइप ऑफ जो रिएक्शन होते हैं वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो अगर जैसे हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है ठीक है। पहला हमारा हो गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन।
यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन डू नॉट डिपेंड अपॉन डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कभी भी ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अगर हम यहाँ पे रेट आर इक्वल टू लिखें कि ए के पावर जीरो। अब ऐसे कौन से रिएक्शन होते होंगे जो कि कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है? ऐसे वही रिएक्शन होते हैं जो कि कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो रहे हैं, किसी वजह से रिएक्शन हो रहे हैं, अपने आप नहीं हो रहे हैं, किसी वजह से रिएक्शन होंगे तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होंगे। वो क्या होंगे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन होंगे। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे Cl2+H2, अगर ये सनलाइट में, ये एच न्यू क्या बता रहा है, सनलाइट में रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे जो है कि 2HCl बनता है। अब यहाँ पे जो रिएक्शन का रेट है वो इनके ऊपर नहीं डिपेंड कर रहा है, ये रिएक्शन इसकी वजह से हो रहा है, सनलाइट की वजह से हो रहा है, यूवी लाइट की वजह से हो रहा है, अल्ट्रावायोलेट लाइट की वजह से, ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह से जो अमोनिया का फॉर्मेशन है, सपोज 3H2+N2, अगर ये प्लैटिनम की प्रेजेंस में हो रहा है, केवल कैटलिस्ट के कारण हो रहा है, तो इसका मतलब ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो एक हम बात समझ में आती है कि अगर कोई रिएक्शन किसी रेडिएशन में हो रहा है, किसी, कहने का मतलब है कि किसी कैटलिस्ट की वजह से हो रहा है तो उसे हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे सनलाइट ना दिया जाए तो क्लोरीन और हाइड्रोजन आपस में नहीं मिलेंगे, प्लैटिनम ना हो तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपस में नहीं मिलेंगे। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। इसी तरह से हम डिकम्पोजिशन का भी एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया देखा जाए तो डिकम्पोजिशन अमोनिया का प्लैटिनम की प्रेजेंस में होता है, तो यहाँ पे जो है कि बनता है 3H2+N2। तो ये चूंकि इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर हो गया। यहाँ पे रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर ये डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ये हो गया हमारा जीरो ऑर्डर, नोट कर लीजिए फटाफट। इसके बाद हम देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड हमारा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट, ऑफ अ रिएक्टेंट। यहाँ पे बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, हम ऐसा डिफिनेशन लिखते हैं कि याद रहे, एक अगर याद करें, कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट, ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑफ अ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट देन इट इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे किसी एक के कंसंट्रेशन पे अगर डिपेंड करता है ये ए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ से हमारा रेट
पावर वन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। आई बात समझो, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल देख लेते हैं। एक तो जैसे कि डिकम्पोजिशन ऑफ TH2O2, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है, डीकम्पोज हो रही है, डिकम्पोज हो रही है, तो यहाँ पे H2+O2 बन रहा है, अगर हम ऐसे ही ले लेते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया। ऑल रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशंस, जितने भी डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन है, रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन है, वो सब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। वो सब के सब क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। और इसके अलावा लास्ट हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इन्वर्जन ऑफ सुगर। नीचे दिख रहा है, लास्ट हमारा है इन्वर्जन ऑफ केन सुगर, केन सुगर की इन्वर्जन के ऊपर डिपेंड ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन अगर डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट, देन इट इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसको हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे किसी एक रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, यहाँ डीकम्पोज हो रहा है H2O2, तो यहाँ पे H2 और O2 बन रहा है। जितने भी रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन होते हैं, जितना भी रेडियोएक्टिव रिएक्शन होता है, सब फर्स्ट ऑर्डर का होता है। और केन सुगर से जो है कि फ्रुक्टोज और ग्लूकोज का बनना, केन सुगर से फ्रुक्टोज और ग्लूकोज का बनना क्या कहलाता है? ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। अब हम आते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में। इसको नोट कर लीजिए फटाफट एग्जाम्पल के साथ। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन थर्ड है यहाँ पे। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या कहता है? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ टू रिएक्टेंट। क्या कहेंगे? टू रिएक्टेंट। अब यहाँ पे अगर टू रिएक्टेंट ले लें, चाहे बी ले लें, यहाँ पे B+A, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि 2A गिव्स प्रोडक्ट, यहाँ से सेकेंड रेट जो हो जाएगा वो सेकेंड कंपोनेंट के एक्सपोनेंट के बराबर रहेगा। कभी ये जरूरी नहीं है कि जो कोफिशियंट है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो ये हमारा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया, ठीक है। जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ H2O, फर्स्ट एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन हाइड्राइड, HI, यहाँ पे हम रिएक्शन देख सकते हैं 2HI गिव्स H2+I2, ठीक है, H2+I2 देता है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 हो गया। नोट कर लीजिए इसको फटाफट। इसके अलावा और भी एग्जांपल है, एग्जांपल लिख सकते हैं हम लोग, अगर यहाँ पे दिख रहा है तो यहाँ पे हम इसको इरेज करेंगे ज़रा। तो रेट ऑफ रिएक्शन जब डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ टू रिएक्टेंट या टू एक्सपोनेंट ऑफ द रिएक्टेंट, तो उसको हम सेकेंड ऑर्डर कहते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल एक हमने ले लिया डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड और
हाइड्रोजिस एल्कलाइन हाइड्रोजिस ऑफ एस्टर, अल्कलाइन हाइड्रोजिस ऑफ एस्टर। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है अल्कलाइन, अगर ये वाटर के साथ होता तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाता है, अगर यहाँ पे हाइड्रोलिसिस एस्टर की वाटर के साथ होती तब तो फर्स्ट ऑर्डर हो जाता है, और यहाँ पे चूंकि अल्कलाइन के साथ हो रहा है तो उसको हम सेकेंड ऑर्डर बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के रूप में हम ले सकते हैं CH3COOC2H5 प्लस NaOH, ठीक है, तो यहाँ से बन जाएगा CH3COOCN प्लस, यहाँ पे बन जाएगा C2H5OH। तो यहाँ पे जो रेट है रेट वो की इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ एस्टर CH3COOC2H5 और कंसेंट्रेशन ऑफ NaOH, इन दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा हो गया सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन विथ एग्जांपल। अब इसके बाद हम देखेंगे, ये अगर नोट हो गया हो तो होगा सुने, अगर ये नोट हो गया है तो गुड। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन और स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। ये खाली हम ये डिफिनेशंस को जान रहे हैं, जानने के लिए कि कैसे ऑर्डर को डिफाइन करेंगे, कितने ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होते हैं बस, और इसमें हमें मेनली जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को पढ़ना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन भी करना है, ठीक है। तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे हम थर्ड ऑर्डर रिएक्शन ले लेते हैं, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में जो है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा एक थ्री कंसेंट्रेशन ऑफ इट इज द प्रोडक्ट ऑफ थ्री रिएक्टेंट कंसंट्रेशन और इक्वल टू थर्ड एक्सपोनेंट ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। यानी कि अगर सपोज कि ये है, यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मान लें कि यहाँ पे हमने एक्सपेरिमेंटल वैल्यू लिख रखा है, यहाँ से रेट इज़ इक्वल टू जाएगा कि ए के पावर थ्री, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया थ्री, ठीक है। एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले सकते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पे 2SO2 प्लस O2 गिव्स 3SO2, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड ऑर्डर का भी एग्जाम्पल हो गया। अब हम जीरो ऑर्डर स्यूडो ऑर्डर, अगला हमारा है स्यूडो ऑर्डर, ये हमारा हो गया थर्ड ऑर्डर। नेक्स्ट हमारा लास्ट है स्यूडो ऑर्डर। अब स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन,
स्यूडो स्यूडो मीन्स क्या होता है? स्यूडो स्यूडो मीन्स, स्यूडो मीन्स क्या होता है? फाल्स फाल्स। यहाँ पे फाल्स का मतलब क्या है? वही जो हम लोग कहते हैं कि जो होता है, मतलब कि जो होने वाला होता है वो हमें पता नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि जो रिएक्शन हो रहा है, जो हमें दिख रहा है वो है नहीं, और जो है वो दिख नहीं रहा है। जो दिख रहा है वो है नहीं और जो है वो दिख नहीं रहा है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के रूप में हम लेते हैं, फॉल्स ऑर्डर का मतलब कि यहाँ पे रिएक्शन इन सच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इन सच ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, रिएक्शन रिएक्शन रिएक्शंस रिएक्शन सो सो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बट एक्सपेरिमेंटली मेंटली इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब यहाँ पे हमें रिएक्शन में दिख कुछ हो रहा है, हो कुछ हो रहा है, तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो इसको कहते हैं जीरो ऑर्डर स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। फॉर एग्जांपल देखते तो अच्छा समझ में आएगा। एग्जांपल के बेस पे CH3CO2H5+H2O। अब यहाँ पे हम वाटर से एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो यहाँ पे CH3CO2H बन जाएगा और C2H5OH बन जाएगा। अब ये यहाँ पे हमें देखने में क्या लग रहा है कि ये सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन होगा, देखने में क्या लग रहा है कि सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन होगा, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे अगर रेट देखा जाए तो रेट हमारा यहाँ पे आ रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ CH3CO2H5 बस इसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो हमें दिख क्या रहा था सेकेंड ऑर्डर, हो क्या रहा है फर्स्ट ऑर्डर, तो इसको क्या बोलेंगे? स्यूडो ऑर्डर। झूठ का अपीयरेंस हो रहा है तो ये हमारा हो गया स्यूडो ऑर्डर। तो आज बच्चों हम लोगों ने डेफिनेशन कंप्लीट कर ली, कल हम लोग जो है डेरिवेशन करेंगे। हैव अ नाइस डे।